फैमिली कैसे हैं आप लोग। तो आज गाइस मैं आपके साथ एक अर्जेंट डाउनलोड शेयर करूंगी, फिर हम आज का रीडिंग करेंगे और मैं आप लोगों को ये अर्जेंट डाउनलोड के लिए कुछ स्पेशल बताऊंगी। तो गाइस क्या हुआ कि मैं आप लोग के लिए कुछ प्रिपेयर कर रही थी कि आप लोग के लिए एक टॉक सेशन रखा जाए जहाँ पर मैं आप लोगों को माइंड कंट्रोल के बारे में सिखाऊँ। तो ये करते करते मैं प्रिपेयर कर रही थी कि माइंड कंट्रोल के बारे में आपको क्या क्या बातें बतानी हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे कि मैं मतलब बतानी है ये मैं फुल ईगो में प्रिपेयर कर रही थी, मैस्कुलिन एनर्जी में प्रिपेयर कर रही थी। मैं आपको ये इसलिए बताऊंगी कि भाई मैं मैस्कुलिन एनर्जी में चली गई थी क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मतलब प्लान और ये सब कर रही थी, फिर अचानक से क्या हुआ प्लान करते करते मैं खो गई। तो फिर मम्मी आ गई और फिर उन्होंने मुझे क्या बड़बड़ कर रही है नहीं, तो मैं ये भी डाला है वो भी डाला है, ऐसे ही अपने मतलब इसमें टिक कर रही थी प्लान करने की लिख रही थी। तो क्या हुआ फिर बाद में जब मुझे उठा मतलब ऐसे होश में आ गई मैं, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो मैस्कुलिन एनर्जी में हूँ, इतना प्लानिंग क्यों कर रही हूँ मैं, है ना। आप लोग के साथ तो मेरा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, जहाँ पे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है वहाँ पे ऐसे ही बात किया जाता है, प्लानिंग करने की क्या ज़रूरत है। ये डिवाइन मैस्कुलिन एट्रीब्यूट है, वो लोगों को हर चीज़ अपने कंट्रोल में चाहिए। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं फेमिनिन में आ गई, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब मैं क्या लिख रही थी और ये सब मुझे बोलना चाहिए भी या नहीं, क्योंकि अगर ये सब मैंने बोल दिया तो मेरे DM ने अगर देख लिया या जो भी है किसी DM ने देख लिया तो वो हमारे अगेंस्ट ही यूज़ होगा। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि वाई एम आई ट्राइंग टू कंट्रोल, तब मुझे रियलाइज़ हुआ गाइस कि DM नहीं DF भी काफ़ी हद तक इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहती है, ज्ञान होते हुए भी अपने DM के साथ शेयर नहीं करना चाहती, ठीक है। अगर जैसे अगर मैं आपको ये माइंड कंट्रोल की बात बता दूँ, वो तो मैं बताऊँगी ही ऑब्वियसली, अब मेरे को ये बात समझ आ गई है तो डाउनलोड बताऊंगी फिर कल के वीडियो में, तो मैं आपको ये पूरा अच्छे से बता ही दूंगी कि मैं क्या आप लोग के साथ बात करना चाहती थी। लेकिन मेरे को ये बात समझ में आ गई कि DF भी इस जर्नी को किसी हद तक कंट्रोल करना चाहती है, क्यों, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मेरे DM को ये ज्ञान की बातें पता चल गई और उसको ये टेक्निक पता चल गया जो मैं इस्तेमाल करती हूँ अपना मन शांत रखने के लिए, तो DM इसको यूज़ करेंगे, DM यूज़ करेंगे तो शायद मेरे खिलाफ ही यूज़ करेंगे, तो जब उनको मेरी याद आ रही होगी तो वो ये पूरा टेक्निक कर लेंगे और उनको मुक्ति मिल जाएगी, फिर तो वो मेरे से बात ही नहीं करेंगे, वहाँ पे कार्मिक के साथ खुश जिएंगे। तो ये वाली जो बात है ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली खटकी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि DF को भी किस हद तक कंट्रोल इशूज़ है, DF को भी किसी हद तक मतलब ट्रस्ट नहीं है अपने DM पे। यस गाइस, हमको भी अपने DM पे ट्रस्ट नहीं है, हमको लगता है कि हम अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और वो किसी ना किसी तरीके से हमारे ही अगेंस्ट उसे यूज़ करेंगे, वैसे भी वो कार्मिक के साथ ही जीना चाहते हैं, तो यही डर होता है जो हमें शेयर करने नहीं देता, ठीक है गाइस। तो यही मैं आप लोगों के साथ आज डाउनलोड शेयर करना चाहती थी, तो बहुत अच्छा ही हुआ गाइस कि मैंने कर दिया और ये वीडियो आपको सुबह को मिलेगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। मैं अगर आप मुझे कहोगे अब कि आपका टेक क्या है इस पे कि हमें शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं कहूँगी भगवान का नाम ले लो शेयर कर लो, ठीक है, क्या ही यूज़ कर लेंगे, और अगर वो यूज़ कर भी लेंगे तो क्या, ठीक है, वो एक मेडिटेशन टेक्निक है, एक स्पिरिचुअलिटी टेक्निक है, जितना स्पिरिचुअलिटी टेक्निक्स करेंगे उतना भगवान के करीब जाएंगे, जितना भगवान के करीब जाएंगे जितना भगवान की सुनेंगे उतना हमारे ही करीब आएंगे वो इन दी एंड, है ना, क्योंकि अंधेरे में भटकने से अच्छा है थोड़ा ज्ञान का रोशनी हो जाए। और एक और बात याद रखना गाइस, भूलना नहीं इसको कभी भी कि DF को DM के गुरु का रोल प्ले करना ही होता है और हम इससे पीछे नहीं हट सकते, ठीक है।
तो भले आपको ट्रस्ट हो ना हो या आपको इससे ट्रिगर हो, आपको ये बात शेयर करना ही होगा। और स्पेशली मेरे लिए ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ मेरा डीएम नहीं, आप सबके लिए ये सब शेयर करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए गाइज, आज की रीडिंग में चलते हैं और देखते हैं कि डीएम कल रात को आपके बारे में क्या सोच रहे थे और क्या फील कर रहे थे। इनडिसिशन में थे डीएम कल रात को, सोच रहे थे कि सब लोग मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे अगर मैंने डीएफ को चूज किया तो। डीएफ को बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे थे वो कल रात को, आपको स्पाई किया जा रहा था बहुत बुरी तरीके से। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं छोड़ के चला जाऊँ, मतलब मैं चला ही जाता हूँ लेकिन फ्री हो जाता हूँ। लेकिन उनको फिर ये लगा कि बहुत ज़्यादा लोग मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, सब झगड़े करेंगे मेरे साथ, सब मुझे बहुत गलत वे में लेंगे, सब मुझे इर्रिस्पॉन्सिबल कहेंगे, सब मुझे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो बट वो जाना चाहते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो कार्मिक के साथ वो सूट नहीं कर पा रहे हैं और उनका सारा अटेंशन डीएफ की तरफ जा रहा है, सारा अट्रैक्शन उनको डीएफ से हो रहा है। तो ये चीज़ का भी उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कहीं ना कहीं। गाइस कल रात को डीएम, बहुत सारे लोगों के डीएम जो है अपने ऑब्सेस्ड फील कर रहे थे डीएफ के साथ, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे थे कि हैप्पी लाइफ क्या होती है, मैं तो हैप्पी नहीं हूँ। पर उनका जो डर है ना वो जायज़ भी है कि सब उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। उनको जो उन्होंने डीएम को कॉन्टैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मैं आपको बात बता दूँ कि डीएम के लिए कॉन्टैक्ट्स ही दुनिया होती है, ठीक है। तो उनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स छूट जाएंगे, उनका इमेज खराब हो जाएगा और ये सब के चलते उनको लगता है कि नहीं 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 मैं जहाँ पे हूँ ठीक हूँ, भले ही खुश ना हूँ। बट अब उनको रियलाइज़ हो रहा है गाइस कि वो जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो बहुत कष्टकारी है और इसके साथ वो ऐसे ही पूरी ज़िंदगी नहीं जी सकते, उनको फ्रीडम की ज़रूरत है। वो कह रहे, वो ये सोच रहे हैं कि कितना ही क्यों ना लोग मेरे अगेंस्ट हो जाए, आखिर में तो मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा के फेंक ही देना है, मुझे जाना है, मुझे फ्री होना है, मुझे कहीं ना कहीं डीएफ के बाद न्यू बिगिनिंग्स करनी है अपने लाइफ में। ये डीएफ का कार्ड भी होता है गाइस, ये न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड भी होता है। तो मुझे न्यू बिगिनिंग्स करनी है और कहीं ना कहीं चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन के साथ भी ऑब्सेस्ड फील कर रहे थे वो, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि ये सब मेरे मार्ग में से अब हटाया जा रहा है, ठीक है। तो मुझे खुशी की ज़रूरत है और ये सब जो है मुझे अटका के रख रहे हैं, मतलब बच्चे और ये सब। डीएम को ज्ञान आ रहा है गाइस, अगर हम बात करें तो डीएम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, डीएम को समझ आ रहा है कि ज्ञान क्या होता है और मतलब अटकना क्या होता है सोसाइटी में, कोई आपको नीचे गिरा रहा है उसका मतलब क्या होता है। तो ये सब जो है डीएम सीख रहे हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं कि डीएम क्या फील कर रहे हैं डीएफ के बारे में। ट्रस्ट इन रिवर्स, मेक द एफर्ट, फील कर रहे हैं कि मुझे डीएफ के साथ चले जाना चाहिए, मुझे अपने लव को एक्सप्रेस कर देना चाहिए, बट वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं डीएफ को कि भाई डीएफ जो है उनका दिल नहीं तोड़ेंगी। डीएफ जो सारा डेक ही रिवर्सल में, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेक द एफर्ट लेना चाहते, बाकी सारे फीलिंग्स नेगेटिव है। एक ही चीज़ सही है कि भाई मेरे को डीएफ को अप्रोच करना है, बस बहुत सारा फैक्टर्स जो है उनके अगेंस्ट है। रिलीज योर एक्स भी आ रहा है उनको, तो उनको ये भी लग रहा है कि रिलीज योर एक्स करने में मेरे को कितनी तकलीफ होगी, ये कितना मुश्किल काम है। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें जो है उनको दुनिया में वापस खींच रही है, उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, उनको ऑब्सेशन हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी फ़िलहाल मेरे को रिकन्सिलिएशन एंड ये आ रहा है रिवर्स, अभी फ़िलहाल वो इतना प्रिपेयर्ड नहीं है बिकॉज उनको पता है उनको एक्स को रिलीज़ करना पड़ेगा और वो उनके लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रिगरिंग चीज़ है, ठीक है। मैं तो इसी वजह से मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि डीएम सीखना चाहते हैं पहले, समझना चाहते हैं पहले, एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना लव, अपने जानना चाहते हैं डीएफ के बारे में, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करते डीएफ पे। मैं ट्रस्ट की ही बात कर रही थी वीडियो स्टार्ट करने से पहले और एंजल्स ने हमको ट्रस्ट का ही मैसेज दे दिया।
तो अब हमारा सबसे बड़ा ब्लॉकेज हमारे डीएम के साथ यूनियन में ट्रस्ट ही रहने वाला है गाइस। तो आप भी, मैं कह रही हूँ ना, ट्रस्ट करके कह लो, पर ये मत कहना कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं और हमको मिलना जरूरी है। और न्यू वाले लोग जो है इस चैनल पे, जो अभी अभी आए हैं, बिल्कुल भी अपने डीएम को ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग नहीं कराएंगे, ठीक है। जो पुराने वाले हैं, जो ऑलरेडी ये गलती कर बैठे हैं, ठीक है, उनके लिए है ये कि अगर आप अपने डीएम के साथ वो प्रॉब्लम में हो और आप उनको कुछ ज्ञान की बात शेयर करना चाहते हो तो जरूर शेयर करें, बिना ये सोचे कि दे विल यूज इट अगेंस्ट अस, बिकॉज भगवान है ना, भगवान के स्पिरिचुअल जर्नी है ये, इसमें डिवाइन और यूनिवर्स का इतना इंटरवेंशन है, आप क्यों डर रहे हो? आपने बोल भी दिया कुछ तो वो आपके अगेंस्ट भी यूज हो गया, अगर वो सही टाइम पे सही जगह पे वो सही हो जाएगा, भगवान उसको कैसे भी करके मिरेक्युलसली ठीक कर देंगे, तो आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको ये जर्नी में कंट्रोल लाने की कोई ज़रूरत नहीं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।